वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग थर्ड टेस्ट पर बात करेंगे। ये थर्ड टेस्ट सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज पर है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, दोनों के लिए 2-2 मिनट्स के समय का उपयोग करेंगे आप। पर्दा रहेगा, टाइमर रहेगा, 2 मिनट्स जैसे ही ओवर होगा वैसे ही टेस्ट ओवर होगा। पहले सिंप्लीफिकेशन होगा और फिर नंबर सीरीज होगा। इसमें तो इंग्लिश हिंदी मैटर नहीं करता, नहीं तो हर टेस्ट में इंग्लिश हिंदी दोनों में ही क्वेश्चंस रहने हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। एक बात उसके पहले, टेस्ट को पॉजिटिव लीजिए। जो आप पढ़ रहे हैं वो परफॉर्म करने में 2 मिनट्स में कितने क्वेश्चंस बनते हैं? 3 बनते हैं, ओके। फिर अगली बार प्रयास करें तो 4 होगा, फिर प्रयास करें तो 5 होगा। ये आपका टारगेट है, इसको लेकर डिमोरलाइज नहीं होना है। और फिर मैं लगातार उनको सॉल्व भी करता रहूँगा, 2 डेज के बाद मैं सॉल्व किया करूँगा। जो टेस्ट ऑलरेडी हो चुका रहेगा उनको भी आप दोबारा देंगे, इससे पता चलेगा कि स्पीड कैसे बढ़ेगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले ये सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज का टेस्ट है। इसमें सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन आ रहा है। इसमें आप देखेंगे कि 5 क्वेश्चंस होंगे और 2 मिनट्स में आपको सॉल्व करने हैं। तो 2 मिनट्स का टाइम रहेगा, ठीक है, 2 मिनट्स का टाइम रहेगा। उसके पहले ये पहले पर्दा रहेगा, फिर क्वेश्चन सामने आएंगे, उसके बाद पर्दा हटेगा और तब टेस्ट शुरू होगा, ठीक है। तो जो अगला जो क्वेश्चन है, तो ये स्टार्ट होता है। आइए स्टार्ट। टाइम जैसे ही ख़त्म हुआ पर्दा गिरा, कैसा रहा ये 2 मिनट्स में टेस्ट, ये बताइए। मैं अप्रोच भी बताऊंगा, क्योंकि हर टेस्ट का जो वीडियो होगा उसका सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग चलते हैं, इसके बाद इसका आंसर पहले देख लीजिए, फिर नंबर सीरीज का अगला टेस्ट होगा, 2 मिनट्स का रहेगा। पहले इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ये इसका सॉल्यूशन है, आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो टेस्ट है ये नंबर सीरीज का है, ठीक है। नंबर सीरीज का जो रहेगा वो भी उसी तरह से 5 क्वेश्चंस रहेंगे और 2 मिनट्स का टाइम है, इसी में आपको ये देना है। तो हम लोग
शुरू करें, ये पहले देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ रख देते हैं टाइमर और पर्दे को गिरने दीजिए। इसके बाद पर्दा हटेगा और क्वेश्चन सामने होगा। तो रेडी हैं आप? देखिए स्टार्ट। कैसा रहा? मुझे उम्मीद है कि आपने इस टेस्ट को एंजॉय किया होगा। आप सबों को अच्छा भी लग रहा है, एंजॉय भी कर रहे हैं। तो ये सिलसिला चलता है, इसको चलने देते हैं। अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चंस लगातार इसी तरह से रोज़ टेस्ट भी लूँगा और उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। सॉल्यूशन दो दिन के बाद दूंगा। इसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है, उसमें सारे टेस्ट और उसके सॉल्यूशन मौजूद हैं। यानी आपके पास एक अच्छा कलेक्शन होने जा रहा है टेस्ट का, और दिए हुए टेस्ट को भी दोबारा आपको देते रहना है। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चन तो दोबारा आ जाएंगे सेम, उसका तो आंसर तक याद हो जाएगा, उसका लॉजिक याद हो जाएगा। मतलब प्रैक्टिस करने का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। लेकिन ये टेस्ट बहुत फ़ायदेमंद है। हमेशा चैप्टर का टेस्ट देना चाहिए, ओवरऑल टेस्ट नहीं, चैप्टर का टेस्ट देना चाहिए। चैप्टर के क्वेश्चंस को यदि आपने सॉल्व कर लिया कम समय में, तो आपका मोटिव सर्व हो गया। इन टेस्ट में सचमुच में मज़ा भी आ रहा है, लेकिन मेहनत करने का मन भी कर रहा है। हाँ, इसका आंसर आप लोगों ने देखा नहीं ना, तो आंसर भी देख लीजिए। और इसको मैच भी कर लीजिए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।